हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। हम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, जो इन दिनों क्या इनफैक्ट हमेशा से ही बहुत ज़रूरी है। पहले जिम नहीं हुआ करते थे तो खड़े होते थे, वो भी नहीं हुआ करते थे तो लोग भागते थे, अभी होते हैं तो हम ये करते हैं। आइए करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट, बनाते हैं थोड़ी सी बॉडी। पहले मिल लेते हैं उस इंसान से जो हमारी बॉडी बनाने में हमारी मदद करते हैं, एज इन ही इज़ माई ट्रेनर। हिज नेम इज़ रवि सेठ, ही इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनर। वेर इन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ द वन हुज़ बीन ट्रेनिंग जस्ट मी सिंस पास्ट 2.5 ईयर्स। वो किसी को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, इन्होंने प्रण लिया हुआ है। इससे पहले ये सैफ अली खान को ट्रेन कर चुके हैं, सोहा अली खान को कर चुके हैं, कुणाल खेमू को कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों की उन्होंने बॉडी बनाई है। अब मेरी बारी है तो ये मेरी बॉडी बना रहे हैं। वेल बीइंग अ वेजिटेरियन ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ही सीन अ वेरी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स नाउ, एंड यू कैन सी द मोटिवेशन द वे ही इज़ गोइंग टू ट्रेन, यू गेट एन आइडिया। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियंस बॉडी नहीं बना सकते, इज अ लिविंग लेजेंड, लिविंग प्रूफ। थैंक यू सो मच, लेट्स वॉच द वर्कआउट, आई होप यू गाइस लाइक इट। आइए खेलते हैं बॉडी बॉडी। I enjoy a lot when I'm in the gym. I enjoy working out because, see, मेरे लिए सोना ज़्यादा important नहीं है, workout करना ज़्यादा important है। Because जैसे हम खाते हैं हमारी body की requirement है खाना, उसी तरीके से उस खाने को burn करना हमारी body की requirement है। These days जो भी हम कुछ खा रहे हैं कुछ भी organic नहीं है, as you all know, injections, pesticides, बहुत सारी चीज़ें लगा लगा के fruits, vegetables ये सारी चीज़ें grow कर रहे हैं लोग, तो दिस इज़ नॉट गुड। और हमारी बॉडी के अंदर जाके वो क्या क्या रिएक्ट करती हैं आपको भी नहीं पता, जो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हमको बीमारियाँ हो रही हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से हो रही हैं। ये सारी चीज़ें ना हो हमारी बॉडी में, इसके लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू मेक योर इम्यून सिस्टम रियली स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू वर्क आउट, एंड इफ़ यू वर्क आउट योर इम्यूनिटी, योर बॉडी, योर मसल्स, एवरीथिंग गोज स्ट्रॉन्गर, जो आपके लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बींग एन एक्टर, आई लव टू बी फिट। सच बताऊँ तो बहुत डिफिकल्टी होती है। ये मैं जनरली इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि लोग सोचेंगे नहीं यार नॉनवेज खा लो क्योंकि डिफिकल्टी होती है, बट ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होती कि आपको उसके लिए नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए ये एक एडवाइस है कि ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज खाना ज़रूरी है बॉडी बनाने के लिए। बॉडी बनाने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, खाने में प्रॉब्लम नहीं है। चिकन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें प्रोटीन होता है जो हमें नहीं पता है। इन जनरल ब्रोकली में बहुत प्रोटीन होता है, चिकन से ज़्यादा प्रोटीन ब्रोकली में होता है, चिकन से ज़्यादा प्रोटीन पनीर में होता है। पीनट्स अगर आप 100 ग्राम्स खाते हैं तो 25 ग्राम्स प्रोटीन पीनट्स में भी होता है, पर ये सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं बॉडी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे चिकन खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चिकन आपको अच्छा लगता है, उसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप चिकन खाते हैं। तो ये मिथ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत खाता था, नॉन वेजिटेरियन था मैं बहुत पहले, इनफैक्ट आई वाज अ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, वेरिन मेरे को टेस्ट भी नहीं पता था दाल चावल के अलावा किसी भी सब्ज़ी का। बट वन फाइन डे, लाइक मैंने पहले भी ये बात शेयर की, आज फिर से शेयर कर रहा हूँ इंडिया फोरम्स पे, कि मेरी सिस्टर, हर नेम इज़ रीत वोरा, जो जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और उसके हर बर्थडे पे ना वो जो मांगती है मैं उसको देता हूँ। ऐसे ही 9 साल पहले उसके बर्थडे पे शी वॉज लाइक, मैंने पूछा बेटा तो क्या चाहिए, मतलब शी इज़ 6 ईयर्स एल्डर टू मी, पर मैं उसको बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ, शी इज़ वेरी स्वीट। मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो शी इज़ लाइक कि भाई नॉनवेज छोड़ दे। तो दिस इज़ हर बर्थडे गिफ्ट फॉर माई लाइफ टाइम कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, एंड दैट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज आप समझ सकते होंगे जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज ना खाना बहुत डिफिकल्ट है, लोग नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट 3 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह खाना नहीं खा पाया, थोड़ा सा
मैं वीक भी हो गया था बट आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि यार इट्स नॉट गुड टू हैव डेड मीट. जैसा भी मेरी सिस्टर की वजह से मैं कर रहा हूँ वो इनडीड मेरे लिए बहुत अच्छा है. जब हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए तो हम क्यों डेड मीट खाएं? और उसके बाद जो भी जानवर मरता है सपोज टू बी मुर्गी है या जो भी आप खा रहे हैं जब मरता है तो वो एक नेगेटिविटी के साथ मरता है. उसकी वो उसका वो दर्द उसकी बॉडी में रह जाता है जो हम खा लेते हैं. तो हम इनडायरेक्टली नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये सेशन हमारा वैसे तो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर था बट अगर बात छिड़ गई तो मैं बताना चाहता हूँ आई डोंट वॉन्ट यू टू क्विट नॉन वेज बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट थिंक ओवर इट बिफोर यू ईट समथिंग. सोच के खाइए कि आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं. अगर सिर्फ टेस्ट के लिए किसी को मारना ठीक है तो बहुत अच्छी बात है आप बिल्कुल खाइए, नहीं तो मैं तो नहीं कर सकता. ये जानना चाहिए जो एक्टर्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट होती है. स्क्रीन पर तो सब कुछ बहुत ग्लैमरस और अच्छा दिखता है बट उसके पीछे ये मेहनत है और साथ में टाइमिंग टाइम बहुत बड़ी फाउंडेशन है आप लोग की लाइफ में. शिफ्ट होते हैं 9 to 9 2 to 2 तब जिमिंग कैसे हो पाती है, एक्सरसाइज कैसे हो पाती है? बिल्कुल हो पाती है. अगर मेरे को 6 घंटे सोने के लिए मिलेंगे तो आई वुड प्रेफर कि 4 घंटे मैं सो लूँ और 2 घंटे मैं जिम कर लूँ क्योंकि जिम से हमारी बॉडी ज़्यादा चलेगी. जितना हमारी ज़िंदगी में डॉक्टर से जाके पूछेगा जितना हमारी ज़िंदगी में सोना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है क्योंकि हमारी बॉडी स्लो हो जाती है. कोई भी मशीन नॉर्मली अगर फ़ोन भी है या कोई गाड़ी है, गाड़ी को अगर आप 2 महीने तक चालू नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगी, उसके बाद चालू नहीं होगी उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी. सिमिलरली अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटोरेट होती चली जाएगी और आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. एंड आई लव वर्किंग आउट. मैं अगर कम सोता हूँ तो मेरे को उतना लेजी फील नहीं होता पर अगर मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ तो मैं सारा दिन डल रहता हूँ. इसलिए आई मेक इट अ पॉइंट कि वर्कआउट पे जाने से शूट पे जाने से पहले आई कम फॉर अ वर्कआउट. मैं थोड़ी सी रनिंग करता हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ, एटलीस्ट कोई ना कोई एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट करता हूँ एंड देन आई गो टू द शूट एंड देन आई स्टार्ट शूटिंग. तो मेरे को एनर्जी आती है, वो एनर्जी मैं डिलीवर कर पाता हूँ जिससे कि जो भी मैं कर पाता हूँ वो अच्छा लगे. कोई फिटनेस आइकॉन है आपके लिए, कोई बॉलीवुड एक्टर, कोई भी ऐसा एक्टर इनफैक्ट टीवी में भी जो आपको लगता है बहुत फिट है एंड यू रियली लाइक दैट पर्सनल बॉडी? यार सच बता रहा हूँ, दीज डेज एवरीबडी वी एक्टर्स एवरीबडी इज़ वर्किंग सो हार्ड. वो अलग बात है मेरा गोल वैसा नहीं है, मुझे 8 packs और बहुत ही चिजल्ड लुक और बहुत बिग आर्म्स मेरा वैसा क्राइटेरिया नहीं है. आई वॉन्ट टू बी फिट. मेरे को अगर मेरे थोड़े थोड़े 6 packs हैं या 4 packs भी हैं तो मेरे को चलता है. मेरे आर्म्स बहुत बड़े नहीं है, ठीक ठाक है तो मेरे को चलता है. आई वॉन्ट टू बी फिट इंटरनली. बेसिकली लोग जो आजकल केमिकल अब्यूज़ कर रहे हैं आई वुड रादर से कि वो भी नहीं करना चाहिए. जितने भी लोग बॉडी बिल्डर्स हैं जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो केमिकल से ही बॉडी बनती है. बॉडी वैसे भी बन सकती है ऑर्गेनिकली अगर आप मेहनत करें तो, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट्स इट. सो आई डोंट प्रेफर यूजिंग ऑल दैट स्टफ़. रही बात बॉडी की तो हमारी इंडस्ट्री में चाहे बॉलीवुड में ले लें चाहे आप टीवी इंडस्ट्री में ले लें, ट्रस्ट मी देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव सच अ ग्रेट फिजिक, सच अ गुड बॉडी इज दे हैव. सो पर्ल विल रादर ट्राई एंड लुक अप टू बेटर हिम. मेरा कॉम्पिटिशन खुद के साथ है, मैं जनरली किसी से कॉम्पिटिशन रखता ही नहीं, मेरे अंदर वो भावना ही नहीं है, बचपन से ही नहीं है. तो आई वुड रादर से कि आज जो मैं हूँ उससे बेटर होना चाहता हूँ कल और होके दिखाऊंगा. फिटनेस एडवाइस ये देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो शाम को वर्कआउट करते हैं. ये एडवाइस मेरी बहुत सारे ऐसे जिम ओनर्स को अच्छी नहीं लगेगी पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग शाम को वर्कआउट करते हैं ट्राई एंड वर्कआउट इन द मॉर्निंग. कुछ नहीं होगा, थोड़ा जल्दी उठेंगे, सुबह वाली ऑक्सीजन जो होती है वो आपको बहुत हेल्प करती है टू बी फिट फर्स्ट. सेकेंडली अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म सुबह सुबह बहुत अच्छा बूस्ट हो जाता है जो सारा दिन वर्क करता है. तो आप अगर सारा दिन थोड़ा बहुत जंक भी खाते हैं या थोड़ा बहुत कार्ब ज़्यादा ले लेते हैं तो आपकी बॉडी को लगता नहीं बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज़ कंटिन्यूसली रनिंग. तो यू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिक रेट्स ग्रेजुअली. सो अगर आप अपना मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करना चाहते हैं स्टार्ट वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग एंड ईट गुड फूड. जो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं वो अच्छी हो. सोचिए कि उसके अंदर क्या क्या है जो आप खा रहे हैं क्योंकि व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू आर. अच्छा खाएंगे तो अच्छे दिखेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. गॉड ब्लेस यू. हेलो पीपल, दिस इज योर पर्ल वी पुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स. थैंक यू. आशिमा चावड़ा, कैमरा पर्सन मंगेश, इंडिया फोरम्स, मुंबई. We'll be right back.